لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 पाकिस्तानी लाहौर आप है ना साथ जा रहे मैं साथ में साकाबाद से आप साकाबाद से आप ही जा रहे मैं वैसे साथ साथ में होटल में होता है घूम जाते हैं पीछे जा रहे हैं मिलते हुए मुबारकबाद मुबारकबाद दे दो मुझे कहा सफरे मदीना वालों से अली आ जाए इधर आ जाए जल्दी आ जाए एक मिनट इधर आ जाए मैं भी आता हूँ मेरा क्या काम है आपकी बना लेते नहीं नहीं वो मैं बाद में चले मैं बाद में मैं शान भाई जा रहा हूँ छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं पंजाब पुलिस का एहलकार अपनी मोहब्बत देकर और अपना अकीदा लेकर 31 दिनों से पैदल सफ़र करता हुआ लाहौर से आज सक्कर पहुंचा है और बरास्ता बलोचिस्तान से ईरान से होता हुआ मक्का मुकरमा हज की शहादत हासिल करने के लिए जा रहा है उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इनका ये सफ़र गुजरा और एक गवर्नमेंट इदारे के मुलाजिम होने के बावजूद उनको उनकी छुट्टी के मामला कैसे रहे सबसे पहले तो आपके इस मुकद्दस सफ़र पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं सुनो टीवी के प्लेटफॉर्म से आपका सफ़र कैसा रहा है 31 दिन का आगे का सफ़र आपका 4 माह का है कैसा गजरत गुजरेगा क्या चाहत क्या मोहब्बत लेकर चले सबसे पहले तो शुक्रिया आपका अलहमदिल्ला 31 दिन का सफ़र ऐसा सफर 500 किलोमीटर का सफर हो चुका है अल्लाह की तमाम उम्मत की दुआ से और इस तरह के बड़ों की स्पोर्ट से बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उनकी दुआ से कहा था कि इसमें हो सकते लेकिन किसी का मामला नहीं हो सका बल्कि इंशाल्लाह जैसे ये मुकद्दस सफर है हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम काबा का दीदार करें और हुजूर की हाजिरी लगाएं इस वक्त ये नौजवान 31 दिन से मुसलसल सफ़र करता हुआ आज सक्कर के शहर सक्कर पहुँचे और यहाँ से इनका सफ़र जो है वो आगे जारी है महकमे की उन्होंने शिकायत की कि मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था जो मुझे नहीं मिली मगर मैं इस मुकद्दस सफ़र को आगे रवा दवा रखे हुआ जी नौजवान है जो मदीने की मोहब्बत में
पैदल निकले हैं और अब जो ये सफर को जो है यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया है, हम मुझे जानते हैं कि ये सफर कितना रहा और कब आप निकलेंगे और हमें ये भी बताने के लिए कौन से रास्ते से आप मदद किया है। यहाँ पर हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छे बहुत किए, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ और अलहमदिल्ला सफर बहुत अच्छा निकला। इसी तरह अपने बात बात करते हैं, मेरे बाबा जी फरमा देते तो ये सफर है तुम्हें जाना है, सुभान अल्लाह, जो प्यारी वो यहीं से लौट जाए और मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने परदाने गए, ताब मंजर सिर्फ दीवाने गए। अगर रास्ते की कठिन और रास्ते की परेशानी और रास्ते के खौफ का कोई डर होता तो मैं घर से निकलता ही ना, अपनी सरकारी नौकरी को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को पीछे छोड़कर मैं कभी किस रास्ते पर नहीं निकलता। मुझे अल्लाह पाक की जात पर कामिल यकीन है, बहुत तवक्कल है उस जात पर कि वो इंशाल्लाह मेरे जो खारदार रास्ते हैं वो भी आसान फरमा देगी और इंशाल्लाह जिस तरह ये 31 दिन का सफ़र मेरा लाहौर से सफ़र आसान तरीके से गुजरा है, बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, इंशाल्लाह इसी तरह आगे के जो सफ़र है वो भी इसी तरह इंशाल्लाह और तकरीबन जिस तरह मैंने अपनी प्रिपरेशन की हुई है, जिस तरह मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, अगर उसी तरह मैं चलता रहूँ तो इंशाल्लाह 20 जून 2023 तक मैं सऊदी अरेबिया पहुँच जाऊँगा। सऊदी अरब तो ये बताएं कि ये क्या मुश्किल भी पेश आ रही हैं आपको और मैं देखने को मिल रहा है कि आप वाले सवाल आप मुश्किल तो अभी तक कोई पेश नहीं है क्योंकि जिनके घर का मेहमान बन के जा रहा हूँ उनको पेश आने ही नहीं देते, और इंशाल्लाह होपफुली कि जो आगे का सफ़र है जिस भी कंट्री से गुजर के जाना है कहीं भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात काफ़ी मुश्किल पेश आने नहीं देगी। और इस्तकबाल तो ये एक मोहब्बत होती है, ये एक प्यार होता है, सिर्फ इसलिए कि मुसाफिर मदीना और अल्लाह पाक के घर का मेहमान जानकर ये भाई ये दोस्त ये बुजुर्ग मोहब्बत देते हैं, अल्लाह पाक इन सब की मोहब्बत सलामत रखे, इस मोहब्बत का सदका अल्लाह पाक इन सब को रखते हुए लाहौर के रहायशी गाजी शान जो एक पुलिस अहलकार जो हैं उन्होंने 31 रोज़ का सफ़र मुकम्मल करके वो सखर पहुँचे हैं। उनके दिल में ये आर्जू है कि ये हज का फरीदा लाहौर से पाकिस्तान से पैदल चलकर मक्का मदीना पहुँचे और हज का फरीदा अदा करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर पुलिस के अहलकार भी हैं गाजी शान जो 31 रोज से पैदल सफ़र करके आज सखर पहुँचे हैं और ये 5 माह के दौरान सऊदी अरब जाएंगे, पैदल सफ़र करेंगे, हज का फरीदा अदा करेंगे। हम उनसे जानते हैं कि उनके दिल में ये जो जज्बा है मोहब्बत का, ये जो ईमान के ईमान तो सरशार हैं, तो इस हवाले से वो क्या कहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्सर ये सवाल आप करते हैं जिस तरह का जोश आपने कैसे पता हुआ, तो मदीना जाने की तड़प को शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जिसके दिल में मदीना जाने की आरज़ू तड़प ना हो। अल्लाह, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद गाजी शान ने यही कहा है कि मुझे मक्का मदीना की जो मोहब्बत है वो तड़प है वो ही ये पैदल सफ़र करने पर राजी रखे हुए हैं, मजबूर किए हुए हैं और उसकी वजह से ईमान की मोहब्बत की वजह से मैं ये पैदल सफ़र किया है। जनवरी 2023 को लाहौर से सफ़र शुरू किया है, तकरीबन 750-800 किलोमीटर सफ़र तय करके इस वक्त मैं सफ़र 31 दिनों में पहुँचा हूँ। आगे इंशाल्लाह मैं हैदराबाद और कराची से होता हुआ ताफ्तान के जरिए ताफ्तान बॉर्डर से ईरान में एंटर होऊंगा, फिर ईरान से इराक और इराक से कुवैत और कुवैत से सऊदी अरब, मैं इंशाल्लाह 5 माह के अरसे में वहाँ पहुँचूँगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से जो 2023 का हज है उसका फरीज़ा अदा करूँगा और खैरियत के साथ इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ वतन वापस पहुँचूंगा। छुट्टी के हवाले से बता दीजिए, छुट्टी क्या होने देगा, आपकी छुट्टी मंजूर हुई है नहीं हुई है। मैं लाहौर पुलिस में ड्यूटी करता हूँ और मैंने तकरीबन 6 महीने भाग दौड़ की है छुट्टी के लिए, तो मुझे छुट्टी नहीं दी गई। जिस दिन मैंने सफ़र शुरू करना था उससे एक दिन पहले मुझे 6 माह की छुट्टी दी गई, लेकिन 15 मिनट बाद वो छुट्टी कैंसिल कर दी गई, तो उस हवाले से मैं डिसआर्ड तो बहुत हुआ अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन उस छुट्टी ना मिलने का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस मुबारक सफ़र पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि
ये सफ़र है कुवे जाना, तो ये मेरा सफ़र रसूल अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए था। तो इस तरह की अगर एक नौकरी नहीं हज़ारों इस तरह की मुझे कुर्बानियाँ देनी पड़ी, तो इस सफ़र को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मैं हज़ार कुर्बानियाँ देने को तैयार हूँ।